दोस्तों आज के ब्लॉग में हम लेके जा रहे हैं आपको बरसाना की राधा जी की नगरी में। और ये जो आप पीछे में देख रहे हैं मंदिर, ये है बरसाना में राधा रानी का घर, जहाँ पे उनका निज महल है। और वो राधा रानी यहीं पे रहती थी और यहीं से जाती थी निधिवन रास सजाने के लिए श्री कृष्ण के साथ। तो चलिए आपको यहाँ का दर्शन कराते हैं राधा रानी का, और राधा रानी का नाम लेके चलते सीधा अंदर। चलिए देखिए, तो ये रास्ता है, यहाँ से कार भी आगे आता है, कार पार्किंग ऊपर होता है कार सारा, और यहाँ से पैदल यात्रा स्टार्ट होता है राधा रानी के मंदिर जाने का। देखिए सामने दोस्तों लोग आ गए हैं बरसाना श्री राधा रानी का मंदिर। यहाँ पर देखिए फूल प्रसादी सब मिल जाएंगे राधा रानी मंदिर जाने के लिए। ये लोग प्रसाद ले रहे हैं। देखिए इतनी भीड़ है, सब आए राधा रानी के दर्शन करने के लिए। यहाँ पे राधा रानी मंदिर एक पहाड़ी पर स्थित है जिसकी ऊंचाई लगभग 250 मीटर है। वास्तव में इस मंदिर का इतिहास बहुत ही रोचक है और इससे जुड़ी कई धार्मिक कथाएं प्रचलित है। राधा रानी मंदिर को बरसाने की लाडली का मंदिर और राधा रानी का महल भी कहा जाता है। और इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आपको 250 सीढ़ी चढ़नी होगी, तब जाके आप राधा रानी के दर्शन कर सकते हैं। ये एंट्रेंस रास्ता है लाडली जी के महाराज जी के मंदिर जाने का, जैसे श्री राधे जी का मंदिर जाने का ये रास्ता है। इतने सीढ़ी चढ़ के आप अंदर जा सकते हैं दर्शन करने के लिए। और ये देखिए मंदिर का प्रांगण ही पूरा कितना सुंदर दिख रहा है, ये राधा रानी का महल। मंदिर का प्रांगण देखिए दोस्तों, पूरा इतना भव्य दिख रहा है। ये देखिए श्री लाडली जी। इसी के साथ हम लोग मंदिर के अंदर आ चुके हैं और देखिए सामने में विराजमान है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण। चलिए दर्शन करते हैं राधा रानी और कृष्ण जी के। बरसाने की राधा रानी की मंदिर की टाइमिंग्स है सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक, और फिर शाम के 5 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक मंदिर खुला रहता है। इस टाइम में आप दर्शन कर सकते हैं। जब बात होली पर्व की आती है तो बरसाना की होली लोगों के लिए काफ़ी आकर्षण का केंद्र रहती है। इसका आकर्षण ना केवल मथुरा में बल्कि पूरे भारत देश में होता है। बरसाना में होली अलग तरह से खेली जाती है, जिसे लठमार होली कहते हैं। इस होली में पुरुष महिलाओं पर रंग डालते हैं और महिलाएं उन्हें लाठियों तथा कपड़े के बनाए कोड़ों से मारती है। दोस्तों हमने दर्शन कर लिए राधा रानी का और कृष्ण भगवान का। हमने देखिए ये पूरा बरसाना है, जो सुने ना आप बरसाने वाली राधा, यही इनका गाँव है राधा रानी का। वो सामने पर्वत है जो परिक्रमा मार्ग के बरसाना का वो, और ये राधा रानी का महल, निज महल है ये। तो बोलिए राधा रानी की जय। मान्यता के अनुसार राधा रानी का मंदिर लगभग 5-8 साल पहले राजा वज्रनाथ द्वारा बनाया गया था, और इस मंदिर में इस्तेमाल किए गए लाल और सफ़ेद पत्थर राधा कृष्ण के प्यार का प्रतीक है। राधा अष्टमी के दिन इस मंदिर को फूलों से सजाया जाता है, वहीं राधा रानी को 56 प्रकार के भोग परोसा जाता है। और साथ ही साथ यहां कृष्ण जन्माष्टमी में पूरा मंदिर भव्य तरीके से सजता है, और कृष्ण और राधा रानी के भक्त यहां आते हैं, दर्शन करते हैं और पूरा भक्ति में लीन हो जाते हैं भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के। तो ये बाहर जाने का रास्ता, राधा रानी का मंदिर हम लोग दर्शन कर लिए। ये देखिए बहुत ही भव्य दर्शन हुआ है राधा रानी का। तो आप जब भी वृंदावन आइए तो बरसाना जरूर आइए राधा रानी के दर्शन करने के लिए। राधा रानी की जय।
तो दोस्तों ये था हमारा आज का व्लॉग राधा रानी का निज महल का, जो हम लोग दर्शन कर चुके हैं। तो आपको मेरा यहाँ का दर्शन कराना और सब इन्फॉर्मेशन बताना पसंद है, इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे और राधा रानी की जय।